फ्रेंड्स, आज मैं त्रिपुरेश्वरी माँ का ये वाला पेंटिंग आप लोगों को करके दिखाऊंगा। आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। ड्राइंग करने के लिए मैं ब्रूश टू का 200 GSM ड्राइंग पेपर यूज़ कर रहा हूँ और अभी मैं उसके ऊपर ग्रिड बना रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और ये वाला मैं ड्राइंग जो करूँगा वो ग्रिड मेथड का यूज़ करके करूँगा ड्राइंग। इस ड्राइंग को बनाने के लिए मैं 200 GSM ब्रूश टू का पेपर यूज़ कर रहा हूँ और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैं अभी माँ त्रिपुरेश्वरी माँ का फेस को बना रहा हूँ। कुछ कुछ जगह पे ऑर्नामेंट्स भी दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और ये मैं ड्राइंग करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रिड मेथड का यूज़ कर रहा हूँ और मैं ये ड्राइंग कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल की मदद से। माता त्रिपुरेश्वरी का जो मंदिर है वो त्रिपुरा के उदयपुर में है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ग्रिड मेथड का यूज़ करके कैसे ड्राइंग बनाना जाता है, कैसे पोर्ट्रेट एकदम सेम एज इट इज़ बनाना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। और उसका जो प्लेलिस्ट है हाउ टू ड्रॉ आउटलाइन, उसका एक प्लेलिस्ट है अलग से, वो वाला जाके आप लोग देखना। वहाँ पर बहुत सारे आउटलाइन का वीडियो है, आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगा। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, ऐड करके दे रहा हूँ। ये वीडियो ख़त्म करके वो वाला वीडियो जाके देखना। और अभी मैं टेप की मदद से इसको लगा रहा हूँ। अभी मैं फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ वाटर कलर, और इसे करने के लिए मैं रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ। इस पेंटिंग में ज़्यादातर कलर यूज़ होगा रेड कलर ही, और मैं ये रेड को देने के लिए मैं वर्मिलियन ह्यू यूज़ कर रहा हूँ। इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैं कैमल का आर्टिस्ट वाटर कलर यूज कर रहा हूँ। मैं नीचे का साइड कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। मैं ऑर्नामेंट्स के लिए कलर कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। अभी मैं फेस पे कलर लगा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। सेकंड टोन दे रहा हूँ कुछ कुछ जगह पे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। इस जगह पे मैंने पहले भी कलर दिया था, अभी मैं सेकंड टोन दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। माला में कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और ये जो है ये हेबिस्कस का है पूरा माला, जो है पूरा हेबिस्कस का है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस पेंटिंग में ज्यादातर वर्मिलियन ह्यू का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि रेड कलर का यूज ज्यादा हुआ है इस पेंटिंग में। ऑर्नामेंट को देने के लिए मैं ज्यादातर येलो आकर का यूज कर रहा हूं। फेस का डिटेलिंग कर रहा हूं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। पे कपड़े में कुछ डिटेलिंग कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। मैं पत्ते वगैरह दे रहा हूँ।
नीचे के साइड पे कुछ, यहाँ पे मैं डार्क कलर का यूज कर रहा हूँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ग्रे कलर का यूज कर रहा हो जो स्टील की बर्तन है वो देने के लिए। त्रिशूल बना रहा हूँ। कुछ कुछ जगह पे मैं डार्क कलर का यूज कर रहा हूँ, रेड के साथ ब्लैक को मिक्स करके यूज कर रहा हूँ। बैकग्राउंड को देने के लिए मैं ब्लैक और कोबाल्ट ब्लू का यूज कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बैकग्राउंड थोड़ा डार्क कर लूँ, इसलिए ब्लैक कलर और मैंने पुशन ब्लू का यूज किया था। मैं डिजाइन देने के लिए व्हाइटनर का यूज कर रहा हूँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। अभी मैं कुछ कुछ जगह पे डिटेलिंग कर रहा हूँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये त्रिपुरेश्वरी माँ का वाटर कलर पेंटिंग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो नीचे वाले लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि मेरे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और आज के लिए इतना ही, आप लोग जाते जाते सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कीजिए।